क्योंकि वैसे भी भाषण देने की बीमारी जो है ना हमारे देश में आम है। लोग एक बार स्टेज पर आते हैं तो माइक को पकड़ लेते हैं और चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं और बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि बोलने वाला बोलता रहता है और सुनने वाला सोता रहता है। तो वो मौका मैं नहीं दूंगा। ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए आप सबका शुक्रिया शुक्रगुजार होते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वादा है कि जब तक जिंदा हूँ मैं यहाँ हर घर जरूर आऊंगा। जय माता दी। मी खरं सांगतो, मी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जवळपास सगळेच लोक माझे परिचित आहेत, अनेक मित्र आहेत, अनेक नट्या मैत्रिणी आहेत, प्रोड्युसर डायरेक्ट ओळखीचे आहेत। पण मला फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये कोणी जर विचारलं की फिल्म इंडस्ट्रीतला देव माणूस राम कदम तुझ्या मते कोण आहे, तर जी काही अनेक नावं पुढे येतील त्यात पहिल्या नंबरचं नाव आहे जितेंद्र साहेब। और जितेंद्र साहब, मैं आपको सलाम इसलिए करता हूँ कि आप हर साल आते हैं, प्यार करते हैं, मुझे छोटे भाई की तरह मुझे रखते हैं। मैं बहुत परमात्मा से धन्यवाद देता हूँ। पर आज आपकी जो कलाकारा थी, आपके साथ काम करती थी, हम सब प्यार करते थे श्रीदेवी जी से, आज आप नाचना चाह रहे थे, पर उसकी श्रद्धांजलि में, उसकी आदरांजलि में आपने उसको भी याद यहाँ पे किया। हम आपको शत शत नमन करते हैं। और हम सब घाटकों पर के लोग, सारा देश देख रहा है, हम आधे मिनट का मौन श्रीदेवी जी के लिए करेंगे। और स्वर्ग में वो जहां पर भी है हमारी आवाज सुन रही है, हमको वहां से यहां देख रही है, हम उसकी आत्मा को सदगति प्राप्त हो इसके लिए आधे घंटे का मौन हम श्रीदेवी जी के लिए करेंगे, आधे मिनट का। ओम शांति। परमात्मा श्रीदेवी जी की आत्मा को शांति दे। जोरदार टाळा जितेंद्र साहेबांसाठी वाजवा। जितेंद्र साहेबांच्या मुलीने एक खूप छान, ओ देखो वहां पर मेरी बहने हैं। जितेंद्र साहब 60,000 से ज्यादा बहने मुझे राखी बांधती है। ये सब जो है इधर भी है बालकनी, और वहां पर देखो कैसे पहाड़ पर बैठे हुए हैं। और पूरे मुंबई में ये लाइव चल रहा है, केबल पर, सारे चैनल्स पे लाइव चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। राम कदम करके मेरा जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर भी ये सुबह से लाइव चल रहा है। कई मेरे यूएस के दोस्तों के मैसेजेस आए, यूके के दोस्तों के मैसेजेस आए, बीबीसी भी इसको कई बार कवर कर चुका है। मैं आपके मुंह से इतना ही पूरा देश सुनना चाहता है, फार वाईट वाटत की ज्या क्षणाला आई वडिलांचा मृत्यू होतो आणि परदेशी राहणारा मुलगा आई वडिलांच्या मृत्यूच्या वेळेस सुद्धा येत नाही, त्याला कळवलं जातं की अस्थियों का विसर्जन कोण करेगा, तो एक बात सामने आई, विदेश में रहने वाले लड़के ने कहा मेरे माँ की अस्थि को तुम कुरियर से भेज दो। अशा नालायक मुलाला जोड्यानं बडवलं पाहिजे का नाही बडवलं पाहिजे? माँ बाप ही साक्षात, माँ बाप ही साक्षात। जितेंद्र साहब आपके मुख से ये बात पूरे देश तक जाए, क्योंकि घाटकों पर में ऐसे 2700 बूढ़े माँ बाप हैं जिनको बेटे ही नहीं हैं, कुछ के बेटे हैं पर नहीं संभालते हैं। ऐसे 2700 बूढ़े माँ बाप के परिवार को माचिस के डब्बी से लेके सर के तेल तक आजीवन देने का काम, पुण्य का काम, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण, मेरे माता पिता के आशीर्वाद के कारण परमात्मा मुझसे करा के ले रहा है। मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं। माझा एक स्वप्न है महाराष्ट्र नवे संबंध देशात, आई वडील म्हातारे झालेत, निराधार आहेत, म्हणून ते उपाशी झोपता कामा नयेत। शेजारच्यानं म्हटलं पाहिजे तुम्हाला मुलगा नसला तरी चालेल, मी तुमचा मुलगा आहे, असं म्हणून त्यांना त्यांनी भरवलं पाहिजे। इसके लिए मैंने अभी घाटकोपर में 3 महीने से 12 जगह पे मुफ्त में खाना शुरू किया है। माहिती आहे ना सगळ्यांना, सरोदय सिग्नल, श्रेयस सिग्नल, जांभूळपाडा, विक्रोळी पार्चेट, 12 ठिकाणी आपण मोफत जेवण वाटतो, दाल रोटी सब्जी आचार मुफ्त में दुपार के समय।
किसी एक भाई ने पूछा, रामकदम साहब तुम फ्री में खाना बांट रहे हो, सही अच्छी बात है, दोपहर को बांटो रात को भी बांटो, हमारी चकने की सेटिंग हो जाएगी। अब चकना मतलब जानते हैं ना? ना जितेंद्र साहब ना मराठी खूब चांगले है था? चकना मतलब शाम को सोडे के साथ जो मिंचिंग करते हैं ना, उसको हम मराठी लोग चकना बोलते हैं। मी म्हटलं घराला गिराईक बघितलं सापडलं की मग रात्रीचं पण सुरू करतो। रक्षाबंधन मध्ये एक बहीण म्हटली, दादा तू ते दुपारी मोफत जेवण देतो ना, खूप चांगलं करतो। म्हटलं थँक यू ताई, पार्सल दे पार्सल। इतना ही बोलना चाहता हूं, अगर घाटकोपर का राम कदम एक रुपया लिए बगैर जितना भी संभव है भूखे लोगों को खाना खिला सकता है तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर नेता ये शुरू करे। खरा है कि खोटा है? प्रत्येक पुढ़ाने चालू केलं पाहिजे। आपण हंडी सुरू केली, पूर्ण महाराष्ट्राने सुरू केली, आपण रक्षाबंधन सुरू केलं, आता हळूहळू बाकीच्यांनी पण सुरू केलं। रॉयल्टी घाटकोर में भेजो तो ये भूखे लोगों को खाना और मां बाप का सम्मान, इस पर आप दो मिनट बोले, ये मैं विनती करता हूं आपसे। देखिए मैंने वो एक मनोज कुमार की पिक्चर का डायलॉग था ना, राशन पे भाषण है, भाषण पे राशन नहीं है। आप जरा सोचिए, अगर आपके माँ बाप जो आपको उंगली पकड़ के बड़ा करते हैं, आपको चलना सिखाते हैं, आपको पढ़ना सिखाते हैं, आपको जीना सिखाते हैं, वो निग्लेक्ट हो जाए, इससे गंदी बात नहीं हो सकती। वो एक एक्सट्रीम है। और जिनसे आपका कोई नाता नहीं है, जो आपके माँ बाप नहीं है, उनको आप ध्यान से प्यार से बिठा कर खाना खिलाते हो, इससे अच्छी बात नहीं है। ये आप कर रहे हैं, दो चीजें हैं, एक यहां की है एक यहां की है। मैं मेरे पूरे तन मन से दुआ करता हूं। आप कहते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप जैसे लोग हो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं कहता हूं 10% भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत दिल चाहिए, बहुत कलेजा चाहिए, बहुत अंदर जेन्युइन प्यार लोगों के लिए चाहिए, आपके बुजुर्गों के लिए उतनी श्रद्धा चाहिए, तो ही आप यह काम कर सकते हैं। यह काम कोई मजाक नहीं है। बोलना आसान है, जब करने पे आती है तो समझ में आएगा कि कितनी तकलीफें हैं। सब तकलीफें उठा के ये कर रहे हैं। हमें आज सब मिलकर बोलना चाहिए, राम कदम की। मैंने नहीं सुना, राम कदम की, राम कदम की, भारत माता की। साहेबांची मुलगी जी एकता कपूर आहे, त्यांच्या सिरियल बघता ना टीव्हीवर? नक्की साज भी कभी बहु थी। त्यांनी एक बालाजीचं आता ऑल्ट ऑल्ट म्हणून एक ऍप काढलं, ऑल्ट। तर आपल्या सगळ्या मोबाईलवर ते डाउनलोड करून घ्या। किती लोक करणार? अरे काय कंजूसासारखं करताय, नीट करा वर हात। करणार ऍप ALT म्हणून आहे, ऑल्ट। पूरा देश सुन रहा है, ये ऐप इतना सुंदर ऐप है कि इस ऐप के ऊपर आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर टीवी सीरियल्स उस ऐप पे देखने को मिलती है। माझ्या जेवढ्या बहिणी ऐकता है ALT असं टाइप केलं की ते ऐप डाउनलोड होता, ते डाउनलोड अपन करा। जितेंद्र साहब आपने इतना प्यार घाटकोपर को दिया, इतना प्यार राम कदम को दिया, मैं दिल से आपका ऋणी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आता माननीय मुख्यमंत्री कोणत्याही क्षणात या ठिकाणी पोहोचतील। जितेंद्र साहेबांना आपण टाळ्या वाजवून धन्यवाद देत